ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में पुराने थाना परिसर में नए थाना का निर्माण होना है, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 13 कट्ठा जमीन उन्हें दे दिया गया। लेकिन उपापहों की स्थिति ये बन गई थी कि सीमांकन नहीं होने के कारण जो है सो सही तरीके से निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दरभंगा जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया और सरकारी अमीन के द्वारा आज नापी किया गया। नापी हुआ पूर्ण एवं विश्वविद्यालय थाना के लिए जो 14 कट्ठा जमीन 13 कट्ठा कुछ धूर जमीन जो देना था वह विश्वविद्यालय प्रशासन ने थाना निर्माण के लिए एनओसी पहले दे चुका था, आज अंतिम निर्णय हो गया एवं उन्हें जमीन नापी करके दे दिया गया। अब निर्माण कार्य जो है सो जोर शोर से चलेगा। इसी को लेकर आज सरकारी अमीन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान एवं विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के देखरेख में नापी हुआ समाप्त एवं निर्माण कार्य होगा प्रारंभ। जो पहले की स्थिति थी अब वो स्थिति समाप्त हो गई। कारण यह है कि उसी परिसर में जो है राज्य सरकार के द्वारा 600 सीट का जो ऑडिटोरियम बनना था, इसी को लेकर उपापहों की स्थिति थी। लेकिन अब सीमांकन होने के बाद सारी समस्याएं दूर हो गई। अलग से यहां 600 बेड का ऑडिटोरियम भी बनेगा एवं थाना का भी होगा निर्माण। आइए सुनाते हैं इस संबंध में जो विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। जैसा कि हम सब जानते हैं, कई राउंड हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोगों को भी पहले से खबर है। और ये मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर में जो थाना ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना पहले से चल रही है, उसी में यहाँ पे एक मॉडल थाना बिल्डिंग के रूप में बनाने का है सरकार की योजना, जिसमें विश्वविद्यालय को जो भूमि है वो पहले से जो हम लोग 9 कट्ठा दिए हुए थे, बाद में 4 कट्ठा समथिंग था, उतना ज़मीन हम लोगों ने विश्वविद्यालय को के तरफ से एनओसी दिया था। उसी एनओसी के अकॉर्डिंगली अभी जो हमारे अमीन थाना का जो सीमांकन किए हैं, हम लोगों ने एक सप्ताह पहले जिला कलेक्टर साहब को पत्र प्रेषित किए थे कि एक सीमांकन करा दिया जाए। और इसलिए भी ज़रूरी था कि इसी भूखंड के उत्तर साइड में 600 सीटेड का हम लोगों का ऑडिटोरियम का प्रस्ताव है, तो आज हम लोग क्लियर हो गए कि जो लगभग ये 1.25 बीघा का प्लॉट है, जिसमें इनको जितना हम लोगों ने एनओसी दिया था उसमें ये अपना काम पहले से कर ही रहे हैं और करते आ रहे हैं। कितना पूरा दिए हैं आप थाना को भवन निर्माण के लिए? 13 कट्ठा से ज़्यादा है, 13 कट्ठा समथिंग है, तो उसमें ये अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो रेस्ट ज़मीन है उसमें हमें समस्या आ रही थी कि बिहार सरकार के ही द्वारा डिप्टी सीएम जी आए थे, उनके फंड से 600 सीटेड ऑडिटोरियम का बनना है, तो वो ज़मीन हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा कम पड़ रहा है। कम इसलिए भी दिख रहा है कि जितना भी अभी मलबा है इधर रखा जा रहा है, और लोगों का भी आ रहा था कि आपका भी ऑडिटोरियम नहीं बनेगा, तो माननीय कुलपति महोदय के आदेश से हम लोगों ने जिला कलेक्टर साहब को पत्र प्रेषित किए थे कि सरकारी अमीन से सीमांकन करा दिया जाए। और उसी क्रम में सरकारी अमीन लगभग 9 बजे आ चुके थे और पूरे इस भूखंड को ज़मीन का सीमांकन करते हुए यहाँ जो एजेंसी के इंजीनियर हैं या उनके जो लोग हैं वो भी सेटिस्फाइड थे। अभी जस बड़ा बाबू भी आए हैं थाना के, उन्होंने भी क्लियर किया कि हम लोग भी तो इसी एरिया में इतना ही दूर में बना ही रहे थे, तो अब जो भी दुविधाएं हैं हम लोगों के बीच में चल रही थी या भी बाहर से, तो सारी दुविधा खत्म हो गई है और थाना का जो मॉडल एक बिल्डिंग है उसके हिसाब से अपना ही बना।